बांग्लादेश का एक मंदिर जिससे हम आपको दो तस्वीरें आज दिखाएंगे। एक तस्वीर है मार्च 2021 की और दूसरी अक्टूबर 2024 की। यह बांग्लादेश के सतखिरा में बना जशोरेश्वरी काली मंदिर। 27 मार्च 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे, इस दौरान वो ढाका के करीब 250 किलोमीटर दूर जशोरेश्वरी मंदिर गए। यहां मां काली की पूजा की, मुकुट का उपहार दिया, खुद अपने हाथों से देवी मां को ये मुकुट पहनाया। लेकिन अब 10 अक्टूबर 2024 यानी कल की ये तस्वीर देखिए। दिन गुरुवार का और मुहूर्त शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी का था, लेकिन जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का सिलसिलेवार संहार हो रहा हो, वहां आस्था, व्रत, त्योहार और पवित्र अवसर की क्या परवाह। ऐसे में भरी दोपहर में मां काली के मस्तक से मुकुट चुरा लिया गया। जब बांग्लादेश की सरकार, पुलिस और सियासी जमात को ही हिंदुओं की फिक्र नहीं है, तो भला जशोरेश्वरी मंदिर से मुकुट चुराने वाला अपराधी हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र को अपवित्र करने से क्यों हिचकेगा। ऐसे में इस मंदिर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस मुकुट को चढ़ाया, उसे ठीक 1293 दिन बाद बांग्लादेश में दिन दहाड़े चुरा लिया गया। अब यह देखकर बांग्लादेश ही नहीं, भारत समेत दुनिया भर के हिंदू बेहद गुस्से में है, तकलीफ में है। लेकिन कोई करे तो क्या करे। 55 सेकेंड के इस वीडियो में एक आदमी सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनकर जशोरेश्वरी मंदिर में दाखिल होता है। उसने मंदिर का पर्दा हटाया, मुकुट उतारा और फिर कितनी आसानी से टी शर्ट के पीछे छिपाकर बहुत ही इत्मीनान से मंदिर से निकल गया। चोर कौन है, कहाँ है, उसका नाम क्या है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, पेशेवर अपराधी है। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस उसे ढूंढना तो दूर, उसकी पहचान तक नहीं कर पाई है। बांग्लादेश के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे पुजारी दिलीप मुखर्जी ने पूजा पाठ के बाद मंदिर को बंद किया और अपने घर चले गए। इसके कुछ देर बाद मंदिर की साफ सफाई करने वाले सेवादार पहुंचे। वो मंदिर की सफाई कर ही रहे थे कि उनकी नजर मां काल की मूर्ति पर पड़ी और उन्हें देखा कि मुकुट गायब था। मंदिर प्रबंधन ने इसकी शिकायत स्थानीय श्याम नगर थाने में की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया, लेकिन थाने के इंस्पेक्टर तैजुल इस्लाम के मुताबिक वो चोर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता अभी तक कोई नहीं मिली। अब चोर की पहचान ही नहीं हुई तो उसकी गिरफ्तारी की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। मुकुट की चोरी किसी साधारण मंदिर से नहीं हुई है, बल्कि ये मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक है। लेकिन दुख की बात ये कि ये पवित्र स्थल बांग्लादेश में है। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में माता सती की बाई हथेली गिरी थी। इसका नाम जशोरेश्वरी इसलिए रखा गया क्योंकि ये जैसोर जिले में है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनारी नाम के एक ब्राह्मण ने करवाया था। इसमें 100 दरवाजे हुआ करते थे। 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन और 16वीं शताब्दी में राजा प्रतापादित्य ने इसका पुनर्निर्माण किया था। इस मंदिर में हिंदुओं की आस्था बहुत गहरी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के बाद पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश गए, तो जशोरेश्वरी मंदिर जाना नहीं भूले। इस मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ किया, मत्था टेका और सोने की परत चढ़ा हुआ चांदी का मुकुट मंदिर में चढ़ाया। भारत सरकार ने अब चोरी की इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने फौरन मुकुट को ढूंढने और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। यह अजीब बात है कि बांग्लादेश में आस्था ही नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री से मिला उपहार भी आज सुरक्षित नहीं है। वो भी ऐसे देश का उपहार जिसका मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सब सुखी रहें, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने इसी जशोरेश्वरी मंदिर के प्रांगण में भी किया था। और यहां पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उलूक ध्वनि, शंखत ध्वनि और डाकत ध्वनि से 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था, तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज
माँ काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। बांग्लादेश में वो सब कुछ हो रहा है जो वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ है। इसका एक और उदाहरण वहां से आया, एक ऐसा वीडियो है जिसमें नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडाल के मंच पर कट्टरपंथियों ने मजहबी तराने गाए। मंच पर जो लोग बांग्ला में इस्लामिक गाने गा रहे हैं वो कट्टरपंथी जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग से जुड़े हैं। आप यकीन करेंगे, इन लोगों ने दुर्गा पूजा के पंडाल में किस तरीके का गाना गाया। इस बांग्ला गाने के जरिए जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने की नसीहत दी। ये लोग कह रहे हैं कि आओ इस्लाम अपनाओ और भाईचारे का हिस्सा बन जाओ। लेकिन ये कैसा भाईचारा है जिसमें हिंदुओं से सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने को कहा जा रहा है, और वो भी उनके ही पूजा पंडाल के अंदर, उन्हीं के मंच पर खड़े होके। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता जाहिर की है, और इसके बावजूद बांग्लादेश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं की गई। जमात के लोग पूजा पंडाल में जाकर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए गाना गा रहे। मोहम्मद यूनुस के उन सभी आश्वासनों का क्या हुआ जहां उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को डरने की कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का गुस्सा, उनका डर कोई भी समझ सकता है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब किसी मंदिर, किसी हिंदू के घर, किसी हिंदू संस्था पर हमला ना किया गया हो, उसे धमकी ना दी गई हो, या फिर किसी तरीके से उसे अपमानित ना किया गया हो। बस पिछले 48 घंटों में ही क्या क्या हुआ है उस पर एक नजर डालिए। ढाका का ये वीडियो तो अभी अभी आया है। यहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तांती बाजार इलाके के दुर्गा पूजा पंडाल में पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इसमें कई श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हो गए। ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब सभी हिंदू देवी दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे उपद्रवियों को ऐसी खुली छूट मिल सकती है। नवरात्रि में ठीक महाअष्टमी के दिन बांग्लादेश के बरिसाल में कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी। ऐसे में मजबूरी में हिंदुओं ने यहां एक बैनर टांग कर अपनी अधूरी पूजा पूरी की। बात अब रंगपुर की करते हैं। वहां भी कुछ ऐसा ही करने की साजिश थी। अब्दुल्ला नाम का यह आदमी मंदिर पर हमला करने पहुंचा था, लेकिन लोगों ने समय रहते इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चटगांव में भी दुर्गा पूजा पंडाल में हमले का प्लान था, लेकिन यहां पुलिस वाले पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से हमलावरों पर काबू पाया। ये तो हद ही है कि दुर्गा पूजा पंडाल में लोकल मुस्लिम पहुंचे और मूर्तियों के सामने नमाज पढ़ने लगे। कहीं कहीं दिखाने के लिए बांग्लादेश की पुलिस दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा में जुटी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर दुर्गा पूजा कट्टरपंथियों की रहम पर ही टिकी हुई दिखाई देती है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भारत के लोगों पर भी है। ऐसे में दिल्ली के चाणक्यपुरी में दुर्गा पूजा पंडाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी जुल्म के खिलाफ कुछ इस तरह से आवाज उठाई जा रही है। यहां एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें दुनिया भर के अखबारों में बांग्लादेश में जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी खबरें दर्ज है। विरोध के इस अनूठे तरीके पर TV9 ने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है, और दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा होते हैं और कई सारे सोशल मैसेज भी दुर्गा पूजा के माध्यम से बांटे जाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद हूं, और चाणक्यपुरी में दुर्गा पूजा का पंडाल बना हुआ है, और इस पंडाल की खासियत यह है कि इस पंडाल में दूसरे पंडाल से इतर
एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये मैसेज है बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ उसकी ये तस्वीर। हमारे साथ जॉय मुखर्जी सर हैं। सर एक बात बताएं कि ये जो कटलेट कटआउट्स हैं इसका क्या मैसेज है? रिसेंटली जो इंसिडेंट कुछ सुनने में आ रहा है बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से हो रहा है आफ्टर द चेंज ओवर ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली हिंदू कम्युनिटी। वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो ये दुर्व्यवहार एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपने सुना होगा इस्कॉन में अटैक हुआ है कल भी ढाकेश्वरी मंदिर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो क्राउन माँ काली के वहाँ पे दिया था उसको उसका चोरी होने का खबर आया है और ये दिन प्रतिदिन ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक इंसानियत के नाते ये बहुत ज़रूरी है सारे विश्व के हिंदू कम्युनिटी एंड नॉट ओनली हिंदू कम्युनिटी इट इज़ फॉर एवरीबडी जो भी माइनॉरिटी है वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं बौद्धिस्ट हैं सबका सिक्योरिटी और उनके प्रति एक संवेदना रखना एक सरकार की जिम्मेवारी है तो ये इसी का ही प्रतिबिंब है। हाल फिलहाल के दिनों में जैसा कि बांग्लादेश सरकार के भी कई सारे नुमाइंदों ने कहा कि इस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के एट्रोसिटीज को दिखाया जा रहा है लेकिन जो पूरी दुनिया के अखबारों में छपा है उनके कटआउट्स को यहां पे लगाया गया है और यह बताने की कोशिश है कि आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या। बांग्लादेश में प्राचीन मंदिरों की पूरी सीरीज है। यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर थे या अभी भी मौजूद हैं जो वास्तुकला धर्म और अध्यात्म के लिहाज से अतुलनीय हैं। लेकिन अब ये तमाम मंदिर निशाने पर आ गए हैं। इसमें पबना का हंडियाल जगन्नाथ मंदिर फरीदपुर का मथुरापुर देउल मंदिर बागेरहाट का कोडला मठ सिराजगंज का बंगला घर मंदिर मदारीपुर का राजा राम मंदिर पबना जिले का ही एक और गोपीनाथ जोर बांग्ला मंदिर राजशाही का पुथिया गोविंदा मंदिर और दिनाजपुर का कांताजी मंदिर शामिल है। साथ ही साथ सतखेरा में अन्नपूर्णा मंदिर इसी इलाके में जेशोरेश्वरी सिद्धपीठ भी मौजूद है और जेशोर का 11 शिव मंदिर। ऐसे 30 मंदिर की पूरी सूची यूनेस्को ने जारी की है जो अद्भुत ही नहीं अविश्वसनीय है। ये मंदिर बेहद ही भले ही अविश्वसनीय हो लेकिन बांग्लादेश की सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। कम से कम हिंदुओं और बाकी सभी अल्पसंख्यकों में तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर अब जरा भी विश्वास नहीं रहा क्योंकि दुर्गा पूजा पंडालों पर पेट्रोल बम से हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी जमात पूजा के मंच पर कब्जा कर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब दुर्गा पूजा पंडालों में जा करके एक ट्रस्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इस फोटो ऑप से बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी क्योंकि ऐसा ही फोटो ऑप उन्होंने 5 अगस्त के बाद भी किया था। ढाकेश्वरी मंदिर में गए थे हिंदुओं से बात की थी उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया था लेकिन इसका असर जमीन पर एक तिनका भी नहीं दिखाई दिया। 20 अगस्त तक पूरे बांग्लादेश में नॉनस्टॉप हमले होते रहे। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस की ब्रांड इमेज भी खतरे में है क्योंकि उनकी इज्जत पूरी दुनिया में बहुत है लेकिन जिस तरह से उनकी अंतरिम सरकार में शामिल लोगों के कट्टरपंथी चरमपंथी लिंक अब सामने आए हैं उससे अब यूनुस साहब की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आने लगा है।